चला आयोजक वती चहा नाश्ता अर्थात ती उपलब्धि के लिए जैसे चहा नाश्ता अर्थात ब्रेकफास्ट कर अनदर 10 मिनिट्स अपन वाइंड अप कर ब्रेकफास्ट काउंटर अपने क्लोज कराए सो अनदर 10 मिनिट्स चला आमच्या कॅमेरामॅनला मी विनंती करू की आपण कॅमेरा आमच्या मुख्य कक्षाकडे डेव्हिएट करा आम्ही माझा अंकलला विनंती करू की आपण आपल्या पवित्र शुभ असे सन्माननीय आदरणीय या स्पर्धेचे आधार स्तंभ तुम्हाला सर्वांचे लाडके रामचंद्र दलवी साहेब भारतात आबा दलवी साहेबांचा सन्मान आपण या व्यासपीठावर करतो एकदा जोरदार टालांच्या गजरात आपण पाहुण्यांचा सन्मान आणि स्वागत करूया सुस्वागतम सुस्वागतम चला दोन्ही संघाचे एक्स्ट्रा प्लेयर या टू अपडेट द स्कोर बुक नेम्स दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू अर्थातच एक्स्ट्रा प्लेयर येणं गरजेचं असणार आहे 5 षटकांचा सामना आणि पर इनिंग एक रिव्ह्यू खेळाडूकडे असणार आहे मग तो तुम्ही रिव्ह्यू LBW बीम रन आउट साठी घेऊ शकता अर्थातच काही डिसिजन्स जर का पंचांना संशयास्पद आढळले डिप्लोमॅटिक तर मात्र नक्कीच पंच टेक्निकल टीम कडे रिव्ह्यू करतील रेफर करतील या स्पर्धेचा नियम कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम 5 षटक पर इनिंग 5 मिनिटांचा अवधी 25 मिनिट्स ओव्हरऑल 3 षटकांच्या नंतर ड्रिंक्स ब्रेक असणार आहे आणि अर्थातच आपल्याला या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये काही नियम काही नियमावली जी फॉलो करायची आहे पंचांच्या निर्णयाला तुम्हाला सन्मान हा द्यावा लागेल ऑनफील्ड पंच जे डिसिजन देतील त्या निर्णयाला तुम्हाला सन्मान देणं गरजेचं असणार आहे अँड संघ भावनेनं प्रत्येक संघानं खेळ करणार आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खरतर आपली गुणवत्ता सादर करण्यासाठी मिळालेली ही दुसरी संधी कारण CBD प्रीमियर लीग 2023-24 हे सीझन हे पर्व आपण नुकतंच संपन्न केलं आणि अगदीच त्याच उंबरठ्यावर बिग बॅश लीग 2024 सीझन 1 च एक दैदिप्यमान सोहळा तुम्हाला सर्वांच्या भेटीस येतोय मॅच नंबर 1 मध्ये AV फायटर्स विरोधात गवळी धुरंधर्स अशी पहिली मॅच रंगत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल 5 षटकांचा सामना दोन्ही टीम्सना आपण देऊया मनपूर्वक शुभेच्छा आणि जरूर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आज इन ऍक्शन मध्ये पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील तर तसंच भारतीय माजी क्रिकेट खेळाडू विनोद कांबळी सरांचे बंधू अर्थातच बंटी कांबळी सर अलॉंग विथ अमित गोलतकर सर आपल्याला पाहायला मिळतील ज्यांना आपण खरतर क्रिकेटच्या अनेक नामवंत स्पर्धांमध्ये पाहिलंय NMPL सारख्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा आपण त्यांना पाहिलं आणि आज ते पुण्याच्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील पहिल्या मॅचला इथे सुरुवात होईल आणि पहिल्या मॅच मध्ये खरतर दोन्ही टीम्सना आपण देऊया शुभेच्छा PTC लाईव्ह टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून स्पर्धा आपण लाईव्ह कव्हर करतोय गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो आनंद आणि बॅटिंगसाठी अर्थातच मॅन इन फॉर्म मिस्टर सोमनाथ आणि त्याच्या समवेत आहे तो अर्थातच साईराज
40 प्लस कैटेगरी चे फाइटिंग स्पिरिट मिश्रू आनंद गोलंदाजी बॉलिंग ट्रैक वर आपल्याला पाहायला मिळतील। The game will on soon. It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. And the first ball, Big Bash League Season 1. Oh, first ball, there is a chance. And a drop. First zel nisatlay. Somnathla baat karnyachi sandhi hoti. परंतु इथे दोन धावा कंप्लीट झाल्याने गेट्स ऑफ द मार्क सोमनाथ आणि धावपळकेचं इथे मात्र श्री गणेशा होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतील। आमचे नामवंत अनेक 40 प्लसचे खेळाडू आज इन एक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील। मुख्यत्वे करून आम्ही किरण सरांचा उल्लेख करू, आम्ही दीपक सावंत सरांचा उल्लेख करू, त्याचबरोबर या पंचक्रोशी मध्ये खरतर 40 प्लस क्रिकेट असोसिएशन सीबीडी चे अध्यक्ष प्रेसिडेंट माझा अंकलचा मी उल्लेख करतोय, प्रशांतजी पाटील असतील, आमचे अशोकजी गुरके माजी नगरसेवक, त्याचबरोबर अनेक आपले अकाल ज्योत सेवा संस्थेचे अनेक आपले कोर कमिटी सदस्य सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात। आणि हा बॉल डाऊन द ग्राउंड क्षेत्ररक्षक आहेत जज करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतील। या धावा कंप्लीट झाल्या, पुन्हा दोन पहिल्या चेंडूवर दोन धावा अंकित झाल्या, दुसऱ्या चेंडूवर दोन धावा मैसर अगदीच विले पर आपण या स्पर्धेला सुरुवात केली। ही फार महत्वाची बाब का, क्वार्टर टू 10 इन द क्लॉक, ऑलमोस्ट 10:45 वाजलेत इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीडी क्रिकेट पहिल्यांदा असं काहीसं चांगलं घडताना आपल्याला पाहायला मिळतं। आणि दिस इज व्हेरी गुड जेस्चर एज वेल, डिसिप्लिन फॉर एव्हरी वन अँड एव्हरी वन विथ डिसिप्लिन अशी नामवंत स्पर्धा तुम्हाला सर्वांच्या भेटीस येत असताना ओवर द विकेट हा बॉल हाफ ट्रॅक, इट्स अप इन द एअर, क्षेत्ररक्षक तिकडे नाहीयेत, वन बाउंस ओवर द डिफेन्स की येईल हा षटकार। पंचांचा इशारा आलाय की हा आहे पहिला बिग बॅश लीग सीबीडी षटकार। सहा धावा आपल्याला पाहायला मिळतील, सहा ना एकूण धावसंख्या वाढली, पोहोचली ती 10 दशकात 10 फन्नन। पहिला चेंडू दोन, दुसरा चेंडू दोन, तिसरा चेंडू धावा आल्या सहा। पनवेल टेनिस क्रिकेट लाईव्ह यूट्यूब कव्हरेज आपल्याला पाहायला मिळते संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आमचे केतन दलवे आणि त्यांची संपूर्ण टीम। खरं तर आपण जर का बघितलं गेलं तर दोन कॅमेराजच्या सहाय्याने, तीन कॅमेराच्या सहाय्याने आपण ही स्पर्धा आपण लाईव्ह कव्हर करतोय। जशी स्पर्धा पुढे जाईल प्रेक्षकांची एक गर्दी आपल्याला वर्दळ आपल्याला पाहायला मिळेल। फार छान खरं तर हे दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतंय, अप्रतिम हे क्रीडांगण सजलंय, पुनश्च आपल्याला पाहायला मिळेल। स्वॉक स्वीप केलाय, इम्प्रोवाइज करत असताना फटका, मिड विकेट रिजन क्लिअर करतोय सोमनाथच्या बॅटमन, अजून एक शैलीदार आणि अप्रतिम कलात्मक स्ट्रोक ऍट मिड विकेट रिजन आणि चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला। चार धावसंख्या पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल, पोहोचेल ती 14 या अंक गणितावर। 14 ऑन दी स्कोरबोर्ड, 40 प्लस कॅटेगरीचे खेळाडू ज्यांना पहिले षटक हाताळावं लागेल स्पर्धेचा नियम, 40 प्लस कॅटेगरी म्हटलं की मग एक्सपिरियन्सनं कमबॅक करून द्यावा लागेल। सोमनाथची फलंदाजी अशीच राहिली तर मात्र धावसंख्येचा ओघ हा वाढताना आपल्याला पाहायला मिळेल। हा बॉल अवे फ्रॉम द रीच, या बॉलला खरतर मी म्हणेन रीच पासून दूर होता तरीही खेचलाय आणि ऑफसाइडला इनसाइड आउटचा फटका सजवत असताना चार धावसंख्येला पुढे नेलं आणि पोहोचवलंय ते 18 या आकड्यावर। 18 ऑन द स्कोरबोर्ड, 18 रन स्कोरबोर्ड पे बिना कोई विकेट। अंतिमचा बॉल, लास्ट गेंद, फायनल बॉल ऑफ दिस व्हेरी फर्स्ट ओव्हर टू गो। आनंद वेट वॉच एंड ट्रांसफर वन्स अगेन अ कॉपी बुक स्ट्रोक एंड दिस इज अनदर फॉर टू वेन द फर्स्ट ओव्हर। पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय, आफ्टर वन धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 22 रन स्कोर बोर्ड पे एक ओव्हर। पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळतीये ती 22 बिनबाद 22। इथून पुढे धावांना थांबवावं लागेल, बिग बॅश लीग प्रचंड मेहनत महेश कदम सरांच्या खरं तर कल्पक विचारातून ही संकल्पना आपल्याला पुढे येताना पाहायला मिळाली। त्याचबरोबर आम्ही मेजर यांचा उल्लेख करू, या दोन खरं तर
व्यक्तिमत्त्वाने आज या स्पर्धेला लॉन्च केलं, त्यांना मात्र नक्कीच आज सीबीडी क्रिकेट आणि सीबीडीच्या नामवंत खेळाडूंची मात्र चांगली साथ मिळाली आहे। आपले अनेक कोर कमिटी सदस्य आपल्याला पाहायला मिळतात, त्याच्यामध्ये आम्ही जरूर समीर दादा निंबाळकर त्यांचा आम्ही उल्लेख करू, आम्ही उल्लेख करू साई यांचा आज अवी असतील, त्याचबरोबर अनेक असे खरतर कमिटी सदस्य आज त्यांचाही नाम उल्लेख आम्ही करणार आहोत। आज आजच्या दिवसामध्ये आमचे खरतर नवी मुंबईचे नामवंत समालोचक ज्यांचा आवाज आपण रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये सुद्धा ऐकला, ते आमचे हर्षजी मढवी यांचाही आवाज तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये जरूर अनुभवायला मिळणार। आज खरं पाहता आम्हाला भरपूर कमी वेळ देता येईल। सन्माननीय अशोकजी नरभागे साहेबांचं सुद्धा शुभ आगमन आपल्याला पाहायला मिळतं, आपण त्यांचं करूया सहर्ष मनस्वी स्वागत सुस्वागतम अतिशय स्मित भाषी। सीबीडी परिसरामध्ये आलो की मग अनेक खरतर शांत शीतल नम्र विनम्र असे अनेक खरतर पाहुणे मंडळी आम्हाला नेहमी आम्हाला पाहायला मिळतात आणि ही फार चांगली बाब आहे। आज खरतर त्यांच्या योगदानातून या स्पर्धेला एक वेगळा आकार देण्यात आलाय। अनेक 40+ चे खेळाडू आम्ही गेले कित्येक वर्ष पाहतोय, कोणत्याही प्रकारचा खरतर अभिमान त्यांच्याकडे मी आतापर्यंत तरी पाहिला नाहीये। अनेक वेळा आम्ही खरतर महेश अहिरे असतील त्याच्यामध्ये आम्ही जरूर दीपक सावंत सरांचा उल्लेख करू, आम्ही किरण पटेल सरांचा आम्ही उल्लेख करू। अनेक असे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतील जे अप्रतिम खेळ करतात परंतु कधीही त्यांच्या चेहऱ्यावर आम्ही अभिमान पाहिला नाहीये। यंग जनरेशन आज ते शिकावं। लॉफ केला बॉलला, बॉल हवेमध्ये साईराज कडून झालेली घाई परंतु नोमान्स रिजन मध्ये बॉल ओव्हर दी बॉलर हेड लँड झालाय आणि धावा मिळतील 2 धावसंख्या झाली ती 24 बॉलिंग ट्रॅक वर आपल्याला पाहायला मिळतोय। तो दुसरा गोलंदाज अर्थातच आर्टिस्ट कॉलनी इन कडून मारा करण्यासाठी सज्ज आहे तो दिनेश। अगदी मागच्या बाजूला सुद्धा एक कॅमेरामॅन आपल्याला पाहायला मिळेल, एक क्षणचित्र मात्र आज आपण ब्रॉडकास्ट करतोय। We are covering this tournament through live YouTube PTC Panvel Tennis Cricket. आज जरूर या वाहिनीला आपण प्रतिसाद द्या। षटकाचा गुड लेंथ पिक करत असताना टायमिंग फसलंय परंतु पुनश्च आपल्याला पाहायला मिळतील या अजून धावा जोडल्या जातील 2 more added into the total. रणसंख्या झालीय ती 26 रन स्कोर बोर्ड पे बिना कोई विकेट। हेलो हेली वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बॉम्बे की धरती उपर बिग बैश लीग जी शुरुआत हो जा रही है। बहुत ही धन्यवाद जिन्हें साडे सत्कारयोग चेहरे साडे विच विराजमान ने हिंदी और मराठी दे नाल पंजाबी भी भाषा जी तुहाडे नाल इस तरह कमेंटरी की दुनिया में साडे बहुत ही सत्कारयोग नितेश भाजी और नाल मेरे साथी बुलारे साडे जसविंदर सिंह जी जसकाल सामाशी बड़ा साहब तो पंजाब तो तुहाडे लई विशेष तौर पर जिहड़े एक पंजाबी बोलन की सांझ पाउणगे सो मैं बेनती करांगा वह भी अपने जिहड़े नाल बोलन की सांझ पाउण लई बोल जिहड़े एक करनगे आप जी मिलकर बातें पावांगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मुंबई दी धरती मेरे वीरो और सीबीडी फेलापुर का इलाका जड़ा पै जांदा है और न्यू मुंबई मेरे वीरो बिग बैश क्रिकेट लीग जिहड़ा मेरे वीरो राजीव गांधी खेड स्टेडियम दे विच नियुक्त किया गया बहुत बहुत असीं धन्नवाद करदे हां। और मेरे नाल जिन्हें भी इसे खेड मेले के ऑर्गनाइजर वीर जिन्हां वीरां दे वल्लों इसे खेड मेले नूं मैनेज किया गया बहुत बहुत असीं धन्नवाद करदे हां। पहला मैच जिहड़ा इस वेले खेड मैदान दे विच जिहड़ा खेडिया जा रहा है और स्कोर दसे जाण और आफ्टर 3 ओवर 2 ओवर्स आफ्टर 2 ओवर्स 28 स्कोर जिहड़े हो चुके हैं इस वेले खेड मैदान दे विच बहुत दिलचस्प मुकाबला जिहड़ा इस वेले खेडिया जा रहा है।
हाँ और तीन दिन का जरा खेड मेला टूर्नामेंट जरा करवाया जा रहा है, तीन दिन का खेड टूर्नामेंट बिग बैश लीग और फर्स्ट डे इस खेड मेले का जरा खेडिया जा रही है। और पहला दिन जो कह सकते आप शुरुआत हुई है, बहुत ही बड़ी मेहनत की भरा सा ने और इस टूर्नामेंट को कराने लिए सीवी डी फैलापुर राजीव गांधी स्टेडियम के रौनक लगिया ने और दुनिया भर तो वे वे खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट के उपर पहुंचने जा रहे हैं, जो बिग बैश लीग और ये अलावा भगत नामदेव जी स्पोर्ट्स इवेंट 29-31 मार्च में भी होगा उदो भी और जी बहुत बेसुरी तैयार किया जा रहा है। और वेखा इधरले पासों तीसरा ओवर शुरुआत कराने लिए भी पूछ लिया कि प्लेयर आ गया सर ऋषि यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम। तीन षटकानंतर आपल्याला ड्रिंक्स ब्रेक घेणं गरजेचं असणार आहे। यस बंटी सर समबडी कैन ज्वाइन इन द मिडल प्लीज एज अ कमिटी मेंबर। कमेटी मेंबर्स बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जसपाल सिंह जी सिद्धू और नाल अंग्रेज साढ़े बहुत ही सत्कारयोग वाकई बहुत ही वड्डा सी धन्यवाद करते हैं माझा भाजी और नाल मेरे वीर अमरिंदर सिंह जी विशेष तौर के उ बहुत वड्डा जिहड़ा सी धन्यवाद करते हैं स्टेज उत्ते विराजमान ने साडे विचकार और उन्होंने नाल जिन्हें भी बहुत महान चेहरे जिहड़े विराजमान ने बहुत बहुत धन्यवाद है। सर फिल्डिंग सजून घ्या क्विक एंड नक्कीच जो काय निर्णय झालाय। दोन षटकांच्या अखेरी सेकंद संख्या आपल्याला पाहायला मिळते। यस इम्पॅक्ट पेर इन हु इज ही बॅट ऑन बॅटिंग साइड फिल्डिंग साइड यस चला इम्पॅक्ट पेर कोण आलाय कोण गेला बाहेर आनंद सर बाहेर गेले आणि मयूर ढोबले आले। इम्पॅक्ट प्लेयर इन मयूर ढोबले प्लेयर इन इन प्लेस ऑफ आनंद मिस्त्री यस इम्पैक्ट प्लेयर इन नाही। इम्पॅक्ट प्लेयर चा जो हा नियम आहे स्पर्धेमध्ये
बॉलिंग अटैक मिश्रू अरमान ऑन टू दी बॉलिंग मार्क स्पेल वन मध्ये आणि चला आपण पांच सीमा रक्षक आपल्याला आता पाहायला मिळतील. यस बंटी सर ये सुरू करा मैच. चला तिसऱ्या षटकाला होती सुरुवात आणि पहिला गोलंदाज सफल झाले. आउट स्विंग बॉल स्विंग अँड मिस इन स्विंग आउट स्विंग प्रकारची गोलंदाजी अरमान आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि पहिला बॉल येतोय डॉट आमच्या समवेत नरेंद्र सिंग आणि जसविंदर सिंग आपल्याला पाहायला मिळतील आमचे दोन समालोचक. वेलकम बोधी बोधी कॉमेंटेटर्स. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळतीये ती फक्त 28. चला एक्स्ट्रा टाइम घेऊ नका प्लीज. मॅच आपल्याला फार महत्वाचे असणारे नियम स्पर्धेचे फार महत्वाचे आहेत. तीन षटकांच्या नंतर मात्र ड्रिंक्स ब्रेक दीड मिनिटांचा असणार आहे. लॉफ्ट केला बॉलला दॅट वॉज अप इन द एअर वन बाउंस ओवर दी लॉंग ऑफ रीजन फर्स्ट फोर और चार स्कोर दे वादे जेडे जोड़ देते हैं खिलाड़ी ने. वाकई में रेडियो फास्ट डे फास्ट सीजन फास्ट मैच बिग बैश लीग 2024 वाकई मेरे वीरो बहुत चोटी का मुकाबला बहुत तगड़ा मुकाबला जिहड़ा इस वेले खेडिया जा रहा राजीव गांधी खेड स्टेडियम. पैंदी हुई बाल उधरले पासे बल्ले 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 आओ कमाल और चार स्कोर खिलाड़ी ने फिर जेडे जोड़ दते हैं. आओ चार रन दे वादे खिलाड़ी ने फिर जेडे जोड़ दते हैं अपनी टीम दे लई. बड़ा वधिया कहने मैच खेडा जा रहा है दोनों टीम नवी चोटी दी टीम जिहड़ी इस वेले मैदान दे विच खेडदे नजर आ रही ने. और वेखांगे दो चौके लगातार खेड मैदान दे विच लगदे ने. अज राजीव गांधी स्टेडियम न्यू मुंबई बेलापुर सीबीडी दे विच गल चल रही है. साडे साथी बुलारे जसविंदर जी और नितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद. वेखांगे अगली बाल 36 ऑन द स्कोर बोर्ड 36 रन स्कोर बोर्ड पे एंड दिस इज वेरी गुड स्टार्ट एज वेल ओवर द विकेट. हा बॉल इन स्विंग दुसरा फेकलाय चकमक चकमक एंड दिस इज अनदर डॉट बॉल. गुड बॉलिंग गुड कम बॅक. इनिंग ब्रेक मध्ये आपल्याला टॉस करायचंय. नेक्स्ट मॅच मध्ये दोन्ही टीम्स ना मी इन्व्हाइट करतोय. दिस इज माइटी हिट सोमनाथ ऑन फायर नाव अँड दिस इज सेकंड सिक्स बाय सोमनाथ अँड स्कोरबोर्ड आपल्याला पाहायला मिळेल 42. सोमनाथ कमाल कर रहे इस वे खेड मैदान के छे रन के वाधे मुंडे ने जोड़ते पहला दो चौके और इस वे छे रन के नाल सोमनाथ कमाल कर रहा है. अगली बार फिर आओ सोमनाथ ठा ठा करवा रहा सोमनाथ आओ बल्ले 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 करवा रहा सोमनाथ सोमनाथ सिक्स अमेजिंग शॉट. अच्छा खेलेगा तो रन बनाएगा अच्छा खेलेगा तो अच्छी खेल खेलेगा नहीं. जसविंदर जी दाव पर सब कुछ लगा है रुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं. 48 आफ्टर थ्री ओवर 48 रन्स और इस वेले खेड मैदान विच सोमनाथ एक वधिया बल्लेबाजी करके बल्ले बल्ले करवा रहे हैं. आफ्टर थ्री ओवर 48 रन जिहड़े स्कोर बोर्ड के उपर लग चुके हैं. बड़ा वधिया मुकाबला जिहड़ा खेडा जा रहा खेड मैदान दे विच और राजीव गांधी खेड स्टेडियम स्टेज ते ब्राइमन सारे पतवंत सज्जन और सत्कार जो भरावां दा धन्नवाद. वेखांगे और इस वेले किहड़े वधिया बैटिंग कर रहे हैं सोमनाथ और वेखांगे 48 रन आफ्टर थ्री ओवरस और 48 आफ्टर थ्री ओवरस 48 स्कोर अभी तक जो बन चुके हैं और बहुत वधिया मुकाबला जिहड़ा इस वेले खेडिया जा रहा है खेड मैदान दे विच. ਬਈ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਭਾਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਭਾਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
बहुत बहुत धन्यवाद है और इसे खेड मेले करवाने के लिए न्यू मुंबई के सीबीडी बेलापुर के हर साल बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं और कबड्डी के वड्डे वड्डे खिलाड़ी जिन्हां की बदौलत न्यू मुंबई के कबड्डी के जिहड़े खिलाड़ी ऑल इंडिया के विच नहीं बाहर दीआं कंट्रीआं कनेडा अमेरिका यूके के विच खेड रहे हैं ते इन्हां दी बदौलत हरेक साल सीबीडी बेलापुर के विच ओह खिलाड़ी जिहड़े खेडण दे लई आउंदे हैं बहुत बहुत असीं धन्नवाद करदे हां। और 31 तरीक नूं कनवर गरेवाल पंजाब दे मशहूर गीतकार और प्रसिद्ध कलाकार जिहड़े आउणगे इसे धरती दे उत्ते सीबीडी बेलापुर दे विच ते ओह वी अपने बोल दे नाल जिहड़े दुनिया नूं रुशनाउणगे। The new baller Ravi Raj onto the bowling mark. Shot क्रमांक 4 मध्ये एकूण धावसंख्या झाली आहे। ती बॅटिंग करणारी टीम आपल्याला पाहायला मिळतीये ती एवी फाइटर्स विरोधात गवली धुरंधर्स या टीमला मात्र नक्कीच आता कमबॅक करून द्यावा लागेल। बॉलिंग ट्रॅकवर रवि राज आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि एकूण धावसंख्या झाली आहे स्कोर बोर्ड पे 48 ऑन द स्कोर बोर्ड विदाउट विकेट विदाउट लॉस। साईराज आणि बैटिंग साठी सोमनाथ ऑन फायर। सोमनाथ अजूनही करतर या इनिंग मध्ये संपूर्ण मैच मध्ये 43 रन्स इंडिविजुअल स्कोर। साईराज इज बैटिंग ऑन 4 अक्रॉस लाइन शफल झाले थोड़े डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ रीजन क्लियर करतो येतो अजून एक चौकार 4 धावा 4 रन्स 52 और चार स्कोर सोमनाथ दे बल्ले दे विचों चार स्कोर खिलाड़ी ने इस वेले जेड़े जोड़ दते है। साहिल बहुत वधिया प्रदर्शन कर रहे हैं खेड का इस वेले खेड मैदान दे विच बहुत दिलचस्प मुकाबला इस वेले जिहड़ा दोनों टीमों दे विचकार खेडिया जा रहा है बहुत तगड़ा मुकाबला पहला सीजन पहला मैच और जिहड़ा इस वेले खेड मैदान दे विच खेडिया जा रहा है और रवि राज बाल पाउण दे लई फिर तैयार है पैंदी बाल मौका और खिलाड़ी आउट होके वापस है। A long awaited breakthrough apela pahala melala and finally a sense of relief batter number 1 Sairaj Pandit would be back to dug out the first wicket down एक वधिया पारी खेडी साहिल ने और नाल सोमनाथ दी एक वधिया जोड़ी जड़ी खेड गई पर इस वेले मैदान दे विच शुभम जिहड़े फिर वापस आउणगे और बाल पाउण दे लई रवि राज जी जिहड़े खब्बे हत्थ दे बालर खेड मैदान दे विच अगे वधदे ने वी खेड दे मैदान विच खिचती लकीर अज पता लगू किहदा तकड़ा शरीर वी अज साना दे पड़ां विच भेड़ हो रहा है आओ शेरां ने पहाड़ां नाल मत्थे लाउणे है। रवि राज लेफ्ट हैंड बॉलर और बाल पाउण दे लई अगे वल वधिया होया है खेडिया शॉट और एक सिंगल स्कोर अपनी टीम दे लई जिहड़ा सोमनाथ ने जोड़ दिता मेरी वीरियो और 53 स्कोर इस वेले जिहड़े बन चुके है बहुत तगड़ा मुकाबला सीबीडी बेलापुर दा एरिया न्यू मुंबई दी धरती। सोमनाथ इज बैटिंग ऑन 43 एंड ही हैज अ वेरी गुड चांस टू मेक हिज मेडन 50 इन द वेरी ओपनिंग मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट सीजन 1 बीबीएल बिग बैश लीग सीबीडी स्पर्धा आपण पाहतोय आणि बॅटिंग साठी अप्रतिम खेळ साकारतोय तो सोमनाथ। Oh, switch of what a catch that is! Wow, you beauty! Mr. Pratik at short cover point vision and this is magnificently taken. Best catch of first match, best catch. First match, best catch. Ek taadi maro zordar!
जे कैच वधिया लग्या मुंडे दा ताड़ी जोरदार मार दिओ कमाल कर दित्ती है बेस्ट कैच है मेरे वीरो पहले मैच दा और खिडारी इस वेले जिहड़ा आउट होके वापस है भी बेहिम्मते जो शिकवा करन मुकद्दरां दा उगण वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा भी बेहिम्मते जो शिकवा करन मुकद्दरां दा बहुत तगड़ा मुकाबला और एक होर खिडारी जिहड़ा इस वेले आउट होके वापस है अगला बल्लेबाज जसविंदर जी इसी से बड़ा विकेट 43 इंडिविजुअल स्कोर दुनिया झुकती है बस झुकाने वाला चाहिए व्हाट अ कैच दैट इज बाय प्रतीक नेक्स्ट बल्लेबाज वासु इस वेले खेड मैदान दे विच अगे वध रहे ने वासु वेखांगे बड़ा वधिया मुकाबला है एक ओवर दे विच दो विकटां जिहड़ियां है रवि राज जी ने प्राप्त की है वापसी जी की है वापसी करना जानते भी ने और वेखा के वासु जो इस वे खेड मैदान अगला बल्लेबाज सामना करने लिए कहने केवल वध है पर वेखा के रवि राज जेडे नौजवान ने एक ओवर दो विकट लैके जी बल्ले बल्ले करवा दी है और वेखा के बल्लेबाज जरा सामना करने तैयार है खब्बे हाथ का बालर है सामने राइट हैंड बल्लेबाज सामना करेगा गल हो पर इधरों आओ करती कुमार और वाइड बाल दे फैसले जेडे मैदान दे विच इस वेले रवि राज लेफ्ट हैंड बालर जेड़ा खिडारी इस वेले बहुत वधिया बाला पा रहे है और सामने वासु है मेरे वीरियो बहुत चोटी का मुकाबला एक तगड़ा मुकाबला पेंदी बाल उधरले पासे वासु करदा होया ट्राई और एक स्कोर दे वाधे एक सिंगल स्कोर जेड़ा खिडारी ने जोड़ दिता है बहुत सिरे का मुकाबला जेड़ा इस वेले खेडिया जा रहा है और अगली बाल पाने लई फिर रवि राज जो कि तैयार बर तैयार है और 55 रन जड़े बन चुके हुण तक 55 ऑन द स्कोरबोर्ड और रवि राज फिर बाल पाने लई तैयार ने सामने शुभम ये भी नौजवान देखेंगे खब्बे नु खब्बा दोने लेफ्ट हैंड और जानदार शानदार मुकाबला जेड़ा इस वेले खेडिया जा रहा है खेड मैदान झुकदी है दुनिया झुकाउण वाला चाहिदा और कमाल कर दित्ती 6 स्कोर बड़ा टॉप दा 6 जिहड़ा इस वेले खिडारी ने खेडिया लास्ट बाल उत्ते 6 और उस तो बाद ओवर समाप्त 61 आफ्टर 4 ओवर्स जिहड़े हो चुके इस वेले खेड मैदान दे विच बहुत तगड़ा मुकाबला विशेष तौर दे उत्ते सारे ऑर्गेनाइजर वीरां दा बहुत वड्डा सी धन्नवाद करदे आ जिन्हें भी सत्कारयोग वीर इस खेड मेले नूं मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं जिन्होंने बहुत वड्डे वड्डे प्रबंध किए हैं इस खेड मेले के दिल दीयां गहराइयां दे विचों बहुत बहुत असी धन्नवाद करते हैं और 61 आफ्टर 4 ओवर तो बाद कार्ड स्कोर इस वेले खेड मैदान दे विच जिहड़े हो चुके हैं और ऋषिकेश और माइक के उत्ते मेरे नाल नितिश जी बहुत बहुत असी धन्नवाद करते हैं बहुत वधिया बुलारे ने आवाज दे विच बहुत दम है नितिश जी का बहुत बहुत धन्नवाद और नाल नरेंद्र प्रताप सिंह वाला वो भी मेरे नाल बोलों की सांझ पा रहे हैं माइक ओवर टू नितिश ऋषिकेश पानसरे सीबीडी क्रिकेट से एक मोटा नाम है बड़ा नाम है सीबीडी क्रिकेट दिस इज फर्स्ट वाइट बॉल बंटी कामली सरान से इशारा इते व्हाइट बॉल ये दर्शन आप लला पहला मिले दर्शन के 62 नेक्स्ट मैच मधे सीबीडी ठाकुरवाड़ी अनि चंदानी ब्रदर्स दोनों टीम जो कैप्टन अपन या प्रेजेंटेशन बॉक्स मधे फॉर नेक्स्ट मैच टॉसिंग प्लीज ड्राइव के ला बॉल ला डीप लॉन्ग ऑफ मधे वन बाउंस चंडुला ग्रीप करते क्षेत्र रक्षक धाम मिलती है एक ला दोन मधे कन्वर्ट के ला एकूण दर्शन के पहुंचली थी 64 ऋषि Once again onto the bowling mark over the wicket from Pavilion Boxing. Drive kela edge lagla ball mistiming stroke on side la ball gela deep backward square leg reason madhe kshetrakshak tikade punachya aplyala pahala miltil ani ajun don dhava dhavpal kavar add hotil ekun dhav sankhya zali ahe ti 66 chala next match madhe doni teams apan ya CBD Thakurwadi ani Chandani Brothers
लाओ बाल पाने फिर ऋषिकेश पेंदी बाल उधरले पासे भई वाह ताड़िया जोरदार एफर्ट एफर्ट किया बहुत वधिया खिडारी ने और तीन स्कोर जिहड़े सेव किए और मेरे वीरो ताड़िया जोरदार मार दिओ बहुत वधिया फील्डिंग इस वेले जिहड़ी खिडारी ने की खेड मैदान दे विच मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और कभी भी डरने वालों की नहीं या नौका पार नहीं होती और वेखांगे इधरले पासे ऋषिकेश और ऋषि की जोड़ी जी सामने खेल मैदान पेंदी बाल लगता है जोर एक सोनी बाल जी डॉट बाल खेड मैदान लगती है पर वेखांगे बाल जी पेंदी है सामने ऋषि है एक साइड देखांगे शुभम दोनों प्लेयर बड़े चोटी के दोनों नवी प्लेयर इस इलाके के मुंबई की धरती मुंबई की धरती और कह सकते सीवड़ी बेलापुर के गल चल रही है अगली बाल फिर हो बल्ले 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 आओ सामने पेंदी बाल और दो स्कोर खिडारी ने जिहड़े जोर दिते मेरे वीरो बहुत तगड़ा मुकाबला इस वेले जिहड़ा खेडिया जा रहा है खेल अच्छा है टूरनामेंट अच्छा है पहला सीजन जो मेरे वीरो बीबीएल क्रिकेट टूरनामेंट का पहला सीजन जो खेला जा रहा है खेल अच्छा है खिलाड़ी अच्छे हैं और इसीलिए बाल करने के लिए फिर आओ खिडारी जो कि त्यार बर त्यार खेल के मैदान में पैती हुई बाल उधरले पासे बल्ले 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 कमाल कमाल पर वाइड बाल दे फैसले जेड़े इस वेले हो चुके है नाउ वाइड बाल फिर जेड़ी हो चुके विनोद कांबली जी अंपायर साढ़े बहुत ही सत्कारयोग वाइड बाल दे इशारे जेड़े होए है और वेखांगे एक ओवर लंबा ओवर कह सकते हैं भी जिहड़ा खेड मैदान दे विच लगदा है सामने ऋषि है नौजवान और ऋषिकेश एक साइड शुभम दोनों नौजवान इस इलाके दे वधिया प्लेयर ने और स्कोर 71 वाइड साइड रिव्यू घेतलाय चला आम्ही टेक्निकल टीम अर्थात आमचे पंच तृतीय पंचांच्या भूमिकेमध्ये चला फिल्डिंग सेटअप करून घ्या जमा होऊ नका एकत्र कारण शेवटचा चेंडू आहे द डिसिजन इज स्टील पेंडिंग वी आर यूजिंग यूट्यूब लाइव टेक्नॉलॉजी Salani, decision still pending and this is white ball. Yes, please proceed. Ek dhav add hoil and ekun dhav sankhya zali hoti. 71, 71. Shevatcha ball, final ball of this very first inning. Magcha bajula, ami jithe ahot tyacha ujvya bajula, bikes park kelele ahet, jithe maji bike hai. So mi lageches jain. Ani tya bikes aplyala kadaychi ahet aple kartar officers yenar ahet ani tikade matra nakkis hi suchna amala dilili ahe. स्टेडियम एडमिनिस्ट्रेशन च्या माध्यमातून विकेट डाउन ओनली वन रन कन्सिडर इन द फाइनल बॉल एंड 72 एंड 73 टू विन सीबीडी ठाकुरवाडे आणि चंदानी ब्रदर्स प्लीज बोथ द टीम कैप्टन्स आपण या टॉस साठी प्रेजेंटेशन बॉक्स मध्ये चंदानी ब्रदर्स आणि सीबीडी ठाकुरवाडे मैच नंबर 2 ईवी फाइटर्स की टीम ने 72 रन बनाया 72 विन टू 73 जो स्कोर ईवी फाइटर्स की टीम ने बनाए ने और देखेंगे दूसरी टीम को जीतने के लिए 73 स्कोर की जड़ी लोड़ पड़ेगी थैंक यू टीम कैप्टन टीम सीबीडी ठाकुरवाड़ी वेयर इज द कैप्टन टॉस सड़िया क्विक अने टीम चंदाने ब्रदर्स आम्ही माझा पाजी यांना इन्वाइट करतोय त्याचबरोबर आमचे अशोकजी नरभागे साहेबांना आम्ही इन्वाइट करू की आपण या आमच्या खरतर खेळपट्टीकडे मुख्य खेळपट्टीकडे जिथे आपल्याला करायचं आहे टॉस मॅच नंबर 2 मध्ये दोन टीम्स आपल्याला पाहायला मिळतील पुनच्छा चंदाने ब्रदर्स टीमचे कॅप्टन अँड टीम कॅप्टन ऑफ सीबीडी ठाकुरवाडी चला इथेही घेतलं तरी चालेल दिस लुक्स फाईन वी ऑल आर वॉचिंग सीबीडी बिग बॅश लीग सीझन 1 सीझन 2023-2024
बीबीएल 2024 चा अतिशय दैदिप्यमान सोहळा मैच नंबर दोन मध्ये आपल्याला टॉस करायचा आहे, जिथे माझा अंकल आणि अशोक जी नरभागे साहेब आपल्याला पाहायला मिळतील। या स्पर्धेचे आधारस्तंभ महेश कदम सर, दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपल्याला पाहायला मिळतात, चंदानी ब्रदर्स आणि त्याचबरोबर सीबीडी ठाकुरवाडी। कॉल करेल कोण? टेल्स, टेल इज द कॉल। हेड आलाय, कॉन्ग्रॅच्युलेशन, व्हेरी फर्स्ट। पाच षटक असतील, कॅमेरा तुला बघतोय, स्पर्धा कशी वाटते एकंदरीत? स्पर्धेचं आयोजन तर एक नंबर आहे। काय असणार डिसिजन? टॉस तुम्ही जिंकलात, पाच षटक असतील, डिसिजन फिल्डिंग। तुमच्याकडे आली आहे बॅटिंग सर, अर्थातच मॅच आपल्याला सुरू करायची आहे, परंतु थोडा संवाद आपण जरूर करणार आहोत। एकंदरीत कसं आहे ॲटमॉस्फिअर, कारण प्रीमियर लीगची ही कॉन्सेप्ट आहे आणि पुण्याच्या मिळालेली या सीझनमध्ये दुसरी संधी, टॉस जिंकला नाही आहेत परंतु ट्रॉफी जिंकण्याचा प्रयत्न जरूर असणार। कसा आहे आजचा स्क्वॉड आणि या सीझनमधला तुमचं टीमचं कॉम्बिनेशन? नियोजन खूप चांगलंच आहे आणि दरवर्षाप्रमाणे सी पी एल होत असते या ग्राउंडवर, तर एक्सपिरियन्स खूप चांगला आहे सगळ्यांना या ग्राउंडवर खेळायचा। टॉस जिंकलेला नाही पण आम्ही जास्तीत जास्त रन स्कोरबोर्डवर चढू, आता बॉल ट्रॅव्हल व्हायला लागला, हवा आहे आणि पिच हळूहळू थोडा हार्ड होईल, ड्राय झाला की मग बॅटीवर बॉल चांगले येतील। आम्ही जिंकलो असतो तरी बॉलिंगच घेतली असती, पण ठीक आहे, इट्स पार्ट ऑफ गेम, जिंकू आणि नक्कीच प्रयत्न करू आपल्या सगळ्या टीम मेंबर्सला बॅक करून। स्क्वॉड आमचा तसा चांगला आहे, बॅलन्स्ड आहे, तर येस, शुभेच्छा असेल आणि नक्कीच व्यासपीठावर आपण सन्मान करूया। अशोकजी नरभागे साहेबांचा सन्मान आपण या मुख्य व्यासपीठावर करतोय। नवी मुंबई महानगरपालिकेचं खरंतर भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी स्टेडियम आणि या स्टेडियम मध्ये रंगतोय बिग बॅश लीग सीझन 1 2024 चा दैदिप्यमान सोहळा। आणि खेळाडू कक्ष जे उभारले त्या खेळाडू कक्षामध्ये फक्त तुमचे 16 खेळाडू अलॉंग विथ युअर टीम मेंटो, टीम मॅनेजर, प्रशिक्षक आणि तुमचे ओनर, अन्यथा इतर मात्र सर्व खेळाडूंना आम्ही जरूर विनंती करू की आपण खेळाडू कक्ष सोडून आपल्यासाठी मात्र खरं तर या संपूर्ण स्टेडियममध्ये आसन व्यवस्था आहे, बसण्याची व्यवस्था आहे, तिथे तुम्ही जरूर बसून मात्र स्पर्धेचा आनंद तुम्ही जरूर घेऊ शकता। बिग बॅश लीग 2024। चला आणि मागच्या बाजूला ज्यांनी बाईक्स पार्क केलेल्या आहेत त्यांनी प्लीज तिथून त्या काढायचे आहेत। ऍडमिनिस्ट्रेशन कडून आम्हाला सूचना आली आहे अँड दिस इज फायनल वॉर्न, अन्यथा मात्र नक्कीच काही पॅनल्टी सुद्धा असेल। जरूर आम्ही विनंती करू आमचे सर्व बाईक मालक चालक सर्वांनी आपल्या बाईक्स तिथून शिफ्ट करा, पंचांचा ग्रीन सिग्नल येईल आणि मॅचला होईल सुरुवात। द गेम इज ऑन सून, ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। लाओ पहला ओवर पाउण दे लई खेड मैदान दे विच विशाल ओल्ड इज गोल्ड खिडारी जिहड़े तैयार बर तैयार ने और स्ट्रैक दे उत्ते खिडारी मेरे वीर अरमान है पहली बाल का सामना करने लई अरमान जिहड़ा तैयार बर तैयार रिवर्स शॉट दी ट्राई मिस फील्ड और वेखांगे एक स्कोर जिहड़ा खिडारी ने जोड़ दिता है 72 स्कोर बनाए और मैच नूं विन करन दे लई 73 स्कोर जिहड़े इस वेले बनाउणे पैणगे खेड मैदान दे विच। पहली बाल दे उत्ते एक स्कोर दे वादे खिडारी ने जिहड़े जोड़ दिते और स्ट्राइक दे उत्ते ऋषिकेश दूजी बाल दा सामना करन दे लई खिडारी जिहड़ा तैयार बर तैयार है। आओ सामने ऋषिकेश सामना करन दे लई तैयार बर तैयार है, बहुत बहुत धन्यवाद। तीन भाषावां दे विच तीन लैंग्वेज दे विच जिहड़ी कमेंट्री की जा रही है, पंजाबी हिंदी और मराठी जिहड़ी मराठी लोकल भाषा है, बहुत बहुत धन्यवाद। वेखांगे बाल पाउण लई विशाल ओल्ड इज गोल्ड नवा नौ दिन पुराना सौ दिन सियाने कहते हैं खेड मैदान देखेंगे सामने ऋषिकेश बल्ले जेड़ा कहते भी और चुनिया खेड मैदान हल्की हल्की जी देखेंगे धुप खिड़ी है पर इस वे खेड मैदान च आसे पास बड़ा सोहना माहौल आसे पास पहाड़ियाँ इस तो पिछे समुद्र और समुद्र के विचकार वड्डियां बिल्डिंगों के अज केड मेला खेडा जा रहा है। नाल बाल पाउण लई विशाल फिर खिडारी
लाओ सामने विशाल फेर तैयार वर तैयार है खेड मैदान उधरले पासे कमाल 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 बल्ले बल्ले करवा दिती है ये ऋषिकेश है मेरे वीरियो छे स्कोर दे वादे जिहड़े खिडारी ने अपनी टीम दे वजो जिहड़े कहिंदे जोड़ दित्ते आ मैदान दे विच खूबसूरत खेड ग्राउंड है बहुत वधिया ग्रासी ग्राउंड और खूबसूरत वादियां कह सकते हैं भी खूबसूरत पहाड़ों के विचकार जिहड़ा बनिया होया राजीव खेड स्टेडियम और बिग बैश लीग का पहला सीजन पहला मैच और दूजी इनिंग की शुरुआत जिहड़ी इस वेले मैदान दे विच हो चुकी है। अगली बाल पाउण दे लई फिर विशाल तैयार वर तैयार उधरले पासे और खेड दिता शॉट पर मैदान दे विच वेखांगे हाँ एक सोहनी बाल जिहड़ी विशाल विशाल ने पाई है पुराने प्लेयर भी असी तजर्बेकार पुराने साथों सिख लै बाले भी असी तजर्बेकार पुराने साथों सिख लै बाले और वेखांगे एक पासे तजर्बा वड्डा है एक पासे चढ़दी जवानी है पर वेखांगे खेड मैदान च उन्हें दो गेंदा खेडिया है तो एक छक्का मारिया है एक बाल डॉट हुई है पहली तो सिंगल सत्त स्कोर जिहड़े हुण तक बने है पर अगली बाल होर करदा होया ट्राई हो कमाल 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 और एक तो बाद दो स्कोर जिहड़े खिडारी ने जोड़ दते है बहुत चोटी का मुकाबला जिहड़ा इस वेले खेडिया जा रहा है विशेष तौर दे उत्ते सारे ऑर्गेनाइजर वीरां दा असी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्हां वीरां ने जिहड़ा वड्डा खेड टूरनामेंट बिग बैश लीग नूं आयोजित किया और वड्डे वड्डे खिडारी जिहड़े इसे धरती दे उत्ते पहुंचे हुए है बहुत बहुत धन्नवाद और पैंदी हुई बाल उधरले पासे और वेखांगे आओ कैच ड्रॉप एक वड्डी गलती जिहड़ी खिडारी ने मैदान दे विच ओ जड़ी कर दिती है और एक स्कोर जिहड़ा जोड़ दिता खिडारी एक रन दे वाधे जिहड़े जोड़ दिते अरमान आ गया इस वेले खेड मैदान दे विच वेखांगे सामने अरमान सामना कर ली तैयार है मेरे वीरियो पीटीसी लाइव पनवेल क्रिकेट लाइव जिहड़ा कीता जा रहा है यूट्यूब दे उपर बहुत बहुत धन्नवाद वेखांगे सामने विशाल दी बाल जिहड़ी पैण जा रही है एक जां बाल रहिंदी होवेगी खेड मैदान दे विच सामने अरमान है और वेखांगे नौजवान सामना कर ली कहिंदे वी खेड मैदान च तैयार वर तैयार है वेखांगे बाल दे उत्ते बणदा ते बणदा की है एक गल समें ने दसणी है लाओ पैगी बाल कीती होई ट्राई फेर पिछे पिछे खिडारी भजदा है पहला रन बड़ी तेजी दे नाल ते दूसरे रन दी जिहड़ी और मंगी कीती ते दो रन बड़ी आसानी दे नाल जसिया जोड़ दित्ते और दो स्कोर दे वाधे बहुत आसानी दे नाल दो स्कोर दे वाधे जिहड़े खिडारी ने जोड़ दित्ते आफ्टर वन ओवर बारह एक दर्जन कह सकते आपां एक ओवर तो बाद बारह स्कोर जिहड़े मैदान दे विच इस वेले बन चुके हैं जी जिसका बाइक बाहर पार्किंग से बाहर खड़ा है प्लीज अपनी बाइक जां अपना कोई भी वाहन साइड पर लगाने की कृपालता करें प्लीज जिनका कोई भी वाहन है कोई भी मोटरसाइकिल है जो बाइक है वो रस्ते में खड़ी है तो एक साइड पे लगाने की जो अपने बिल्कुल हम विनती करते हैं एंट्री गेट पे किसी भाई की बाइक जो है वो साइड पे कर ले बहुत धन्यवाद होगा आपका एंट्री गेट पे एक बाइक है उसको साइड पे किया जाए बहुत धन्यवाद होगा। आफ्टर वन ओवर बारह स्कोर जो अभी खेल के मैदान में हो चुके हैं बहुत तगड़ा मुकाबला और जिहड़ा मेरे वीरो खेडिया जा रही है और वेखांगे 60 जां 61 स्कोर 61 जो बाकी हो गए 61 स्कोर जो बाकी हो गए मैच को विन करने के लिए और बाल पाउण दे लई ट्रालो तैयार बर तैयार खिडारी मेरे वीरो खेड मैदान दे विच बहुत तगड़ा मुकाबला 61 स्कोर जिहड़े जितण दे लई चाहीदे आ इक पासे अरमान है स्ट्राइक दे उत्ते ऋषिकेश नाम है कहिंदे इस खिडारी दा जिहा खिडारी पूरा खेडेगा ते जरूर मैच नूं जित के जावेगा और सामने परलो बाल पाउण दे लई जिहड़ा खेड मैदान दे विच तैयार बर तैयार है सामने बाल पाउण लई परलोक जिहड़ा इस वेले तैयार वर तैयार है एक ओवर 12 रन जे पंजाबी विच कह दईए ते एक दर्जन रन लई जसिया जिहड़े बन चुके हैं पर कह सकदे आ घट्टो घट पर ओवर दे विच 13 ते 14 रन जिहड़े चाहीदे जित्तण दे लई पर इधरले पासे पैंदी बाल लगदा जोर ओ बल्ले 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 करवा दिती आ जिहड़े पाणियां च लोक लौंदे तारियां ओ पाणी असी पीते होए आ सिर कढ ने रिकॉर्ड पैदा कीते होए आ सिर कढ ने रिकॉर्डां विच ना बोलदा वी इत्थे नहीं हर इक थां बोलदा ऐ नहीं स्पीकरां च ना बोलदा वी इत्थे नहीं हर इक थां बोलदा ऋषिकेश कमाल कर दिती और 6 स्कोर जे शॉट वधिया लग्गिया इक ताड़ी जोरदार मार दिओ जे शॉट वधिया लग्गिया ऋषिकेश है नौजवान मैं पहला दस्या है जिहा मुंडा पूरा खेड गया
ते जरूर मैच नूं जित के जाएगा, हौसला जित के जाएगा, नाम जित के जाएगा, दिल जित के जाएगा जे आ खिडारी मैच नूं पूरा खेडेगा। लाओ बाल पाउण दे लई फेर पर लोक जिहड़ा कहिंदे तैयार वर तैयार है खेड दे मैदान दे विच। पैंदी हुई बाल उधरले पासे राजे खेले अरब पंजाबी जिगड़ा रखदे क्रिकेट खेडण दा। आओ क्रिकेट दा टूरनामेंट जिहड़ा मेरे वीर न्यू मुंबई सीबीडी बेलापुर दे विच जिहड़ा कहिंदे खेडा जा रहा है। राजीव गांधी खेड स्टेडियम है, लगी हुई रौनक है और खेड दे हुए मैदान दे विच खिडारी ने बहुत जानदार बहुत शानदार जिहड़ा मुकाबला इस वेले खेडिया जा रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट यू जसविंदर जसविंदर एमएच 43 बीएच 0129 नीला रंगाची ही बाइक आहे एक्टिवा बीएच 0129 ओन या बाइक चे आपण लवकरात लवकर ती बाइक काढा। त्याचबरोबर एएस 2784 एमएच 43 2784 ही बाइक आपल्या लगेच काढायची आहे, लवकरात लवकर आपण काढून घ्या। आओ परलोक जी वापसी कर रहे हैं। सॉरी सॉरी एमएच 30 एमएच 3बी T9051 बाइक है टू व्हीलर अर्धा तास ही काढून घ्या प्लीज। T9051 नाहीतर टोचन वाले घेऊन जातील कारण सूचना महत्त्वाची आहे। T9051 गाडी काढून घ्या। BZ8416 MH04BZ8416 बाइक काढून घ्या। BZ8416 कॉम्बॉक्स हेली फर्स्ट बाउंस का इशारा जो अंपायर की तरफ से किया गया है और देखेंगे जो वापसी है बॉलर ने की है लेकिन जो एक बाउंस पर सामने देखेंगे और एक जो बड़ा अच्छा मुकाबला खेला जा रहा है खेड मैदान दे विच गौरव फेर जिहड़ा सामना कर ली तैयार वर तैयार पैंदी हुई बाल पर लोक पर इधर सामने कमाल कमाल कर दिती और खेड मैदान दे विच 6 स्कोर दे वाधे जिहड़े खिडारी ने जोड़ दिते है। बहुत तगड़ा मुकाबला जिहड़ा इस वेले खेडिया जा रहा है और आफ्टर 2 ओवर तो बाद अभी नहीं हुआ ओवर जी। जो रिव्यू है वो लिया जा रहा है टेक्निकल कमेटी की तरफ से। नो बॉल है जी, जो टेक्निकल कमेटी का फैसला है वो नो बॉल है। नो बॉल के साथ जी नो बॉल और देखिए नो बॉल के बाद जो फ्री हिट सुपर हिट फ्री हिट है जो खेड दे मैदान दे विच फ्री हिट है मेरी वीरियो नो बॉल दे फैसले जेड़े इस वेले हो चुके है। बाल पाउण दे लई खिडारी तैयार वर तैयार और उधरले पासे वेखांगे पैंदी हुई बाल और लग्या जोर पर बाल मेरी वीरे इस वेले खिडारी ने एक कमाल दी बाल जिहड़ी खेड मैदान दे विच कर दित्ती है। बहुत वधिया खेड दे मैदान दे विच नौजवान इस वेले प्रदर्शन कर रहे ने। कली कली बाल दे उत्ते पूरा जोर लग्या होया इन्हां खिडारियां दा और परलोक बॉल कमाल दीआं कहिंदे बालां इस वेले पा रहे है ते स्ट्राइक दे उत्ते प्रतीक अगली बाल दा सामना करन दे लई खिडारी फिर जिहड़ा इस वेले तैयार वर तैयार है और उधरले पासे परलोक दी बाल लग्या जोर
एको जिहे खिडारी ने और वेखांगे खेड एको जी और खेड दिता शॉट ते उधरले पासे चार स्कोर दे वादे खिडारी ने जिहड़े मैदान दे विच जोड़ दिते है। इस वेले प्रतीक जिहड़ा बल्ले बल्ले करवाउंदा होइआ खेड मैदान दे विच प्रतीक दे बल्ले दे विच चार स्कोर अपनी टीम दे लई खिडारी ने जिहड़े जोड़ दिते है। चार रन दे वाधे प्रतीक ने जिहड़े जोड़ दिते पर हले ओवर जिहड़ा कह सकदे वी समाप्त नहीं होया। जिवें सिद्धू मूसेवाला कहिंदे हुंदे ने वी हले मुक्किआ नहीं और हले मुक्किआ नहीं हले खेड़ा छुट्टिआ नहीं। वेखांगे प्रतीक है सामने प्रतीक और परलोक दोनों खिडारी जिहड़े आमो सामने और एक साइड देखांगे जिहड़ा गवली दुरेंद्र जिहड़ी टीम खेल रही है ए वी फाइटर्स। पहला 72 और 73 दा टारगेट सैट होया है। आखिरी गेंद लास्ट बॉल इस वेले खेड मैदान दे विच जिहड़ी पैण जा रही है। 31 स्कोर जिहड़ा और 30 रन है जो खेल मैदान में और चल रहा है। वेखेंगे सामने लाओ सामने पेंदी बाल और उधरले पासे खेड दिता शॉट और चार स्कोर दे वादे अंपायर द्वारा जिहड़ा इशारा कर दिता गया है। चार स्कोर जिहड़े हो चुके आफ्टर दो ओवर तो बाद 34-34 स्कोर जिहड़े मेरे वीर दो ओवर तो बाद हो चुके है। बहुत वधिया प्रदर्शन इस वेले बल्लेबाज टीम का बहुत वधिया खिडारी जिहड़े इस वेले खेड रही है। आफ्टर दो ओवर तो बाद जिहड़े 34 स्कोर हो चुके है खेड मैदान दे विच। जिहड़ा खिडारी चंगा खेडेगा वह जित के जाएगा जिहड़ा लंबा खेडेगा जित के जाएगा पर समा फैसला करेगा चलदे मुकाबले दे विचों किहड़ी टीम जितदी है। 34 आफ्टर टू ओवरस 34 स्कोर जिहड़े बन चुके है खेड मैदान दे विच। हौसला सब तो वड्डी चीज है। जिहड़ा खिडारी हौसले दे नाल खेडेगा जिहड़ा खिडारी दिमाग दे नाल खेडेगा वह जरूर बिग बैश लीग दे विचों जित के जाएगा और वड्डे वड्डे प्राइज दिते जाणगे बैस्टां दे वड्डे मान सन्मान जिहड़े कीते जाणगे। आफ्टर टू ओवरस 34 स्कोर जिहड़े इस वेले खेड मैदान दे विच बन चुके है और तीजे ओवर की शुरुआत करन लई वासू जिहड़ा खिडारी इस वेले तैयार बर तैयार है खेड मैदान दे विच। वासू नवीं दी उम्र दा कहिंदे खिडारी है मेरे वीरो तजर्बा वड्डा है खेड वड्डी है सुनाईयां दी ते हौसला बहुत वड्डा है। लाओ वासू बाल पाउण दे लई जिहड़ा तैयार बर तैयार है। पंज नंबर किट विच वासू कहिंदे वी खेड मैदान दे विच बाल पाउण दे लई तीसरा ओवर जिहड़ा लैके आया है। दो ओवर तो बाद 34 रन जिहड़े स्कोर बोर्ड ते चल रहे ने सामने कह सकदे वी गवली दुरेंद्र जिहड़ी टीम खेल रही है एक साइड ए वी फाइटर्स। इस तो बाद अगलियां टीमां नेक्स्ट टीम्स जो अपनी तैयारी कर लैण साडी बेनती है। इस तो बाद अगलियां टीमां जिहड़ियां चांदनी ब्रदर्स और नाल ठाकुरवाड़ी दी टीमां जिहड़ियां तैयार रहिणगियां पर वेखांगे सामने वासू बाल पाउण लई फेर तैयार पर वेखांगे अरमान जिहड़ा सामना करन लई तैयार है। मेरे वीरो पेंदी बाल लगदा जोर पिछे पिछे फील्डर और रन जिहड़ा सिंगल ते एक तो बाद दूजा रन लै वी जसिया जोड़ दिता मुंडे ने। आओ दो स्कोर दे वाधे खिडारी ने जिहड़े इस वेले मैदान दे विच कर दिते है। जो अच्छा खेलेगा वो जीत कर जाएगा और सामने बाल पाउण दे लई फिर खिडारी जिहड़ा इस वेले तैयार बर तैयार है। वासू दीआं कहिंदे बालां जिहड़ियां पै रहीआं ने मैदान दे विच वी पैंदीआं ने बालां यारो चढ़ चढ़ के वेखदा जवाना यारो खड़ खड़ के लाओ तुहाडे सामने बाल पाउण दे लई फिर वासू नाइयन जिहड़ा कहिंदे इस वेले तैयार बर तैयार है। पैंदी बाल उधरले पासे रिवर्स दी ट्राई जिहड़ी खिडारी ने कीती है पर डॉट बाल दे फैसले जिहड़े मैदान दे विच इस वेले आ चुके है। आओ वासू ने वापसी कीती है वासू ने वापसी कह सकदी इस वेले खेड मैदान दे विच वासू वापसी करदा जां नहीं गल समें ने दसणी है और देखांगे समां बहुत बलवान है समें दी खेड है सारी। सियाणे कहिंदे ने वी वही अर्जुन दे तीर वही अर्जुन के रथ इस समें का क्या पता है क्या समा समा समर्थ वी क्या समा समा आओ समर्थ समा फैसला करेगा। लाओ खेड दिता शॉट खेड मैदान दे विच और एक स्कोर एक सिंगल स्कोर खिडारी ने जिहड़ा अपनी टीम दे लई जोड़ दिता है। बहुत वधिया मुकाबला जिहड़ा इस वेले खेडिया जा रहा है। वासू फिर खिडारी इस वेले बाल पाउण दे लई जिहड़ा कहिंदे तैयार बर तैयार है। बहुत बहुत असीं धन्नवाद करदे हां सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू साहब बहुत वड्डा नाम है और उहनां दे नाल सरदार मेजर सिंह जी और नाल माझा भाजी होणा दा बहुत बहुत असीं धन्नवाद करदे हां जिन्हां दी बदौलत न्यू मुंबई दे विच बोल सांझे करन दा मौका मिलिआ। दिलों असीं धन्नवाद करदे हां। लाओ सामणे शुक्रिया अदा करदे हां। लाओ बाल पाउण दे लई फिर खिडारी जिहड़ा इस वेले मैदान दे विच वासू तैयार बर तैयार है। पैंदी बाल उधरले पासे और खेड दिता शॉट अपने बल्ले दे विचों
और एक स्कोर जिहड़ा खिडारी ने अपनी टीम दे वास्ते जोड़ दिता है। हाँ, एक एक स्कोर बूंद बूंद नाल स्वागत कह सकदे भरे जा सकते हैं, बूंद बूंद नाल स्वागत जिहड़े खेड मैदान दे विच भरे जा रहे ने। वी जिद्दबाजी लई छड्डे तख्त हजारे जांदे ने, वी माड़ा होवे टाइम ते मिर्जे मारे जांदे ने, नाले तत्ते तवे ते रोटी सड़दी हुंदी है, वी तुणका तुणका करके गुड्डी चढ़दी हुंदी है, तुणका तुणका करके गुड्डी चढ़दी हुंदी है। लाओ सामने कमाल कमाल बल्ले बल्ले करवा दिती और छे स्कोर दे वादे अरमान दे बल्ले दे विचों खेडिया शॉट और छे स्कोर दे वादे जिहड़े खिडारी ने अपनी टीम दे वास्ते कर दिते है। वाकई मेरे विरा खिडारी जे पूरा खेडेगा तो जरूर अपनी टीम नूं जित दे वल लैके जाएगा। अरमान इस वेले अगली बाल का सामना करने लई फिर खिडारी तैयार वर तैयार है। अरमान ने अरमान दे नाल जिहड़ी बल्लेबाजी कीती और इस वेले फिर प्रदर्शन है मेरे पंजाबी वीरो और बल्ले बल्ले जिहड़ी करवा दित्ती ते छे स्कोर अरमान दे बल्ले दे विचों जिहड़े आ चुके है। आफ्टर थ्री ओवर्स और 50 स्कोर जो हो चुके हैं, अभी आफ्टर थ्री ओवर्स 18 बॉल्स 50 स्कोर जो हो चुके हैं, नोट कर लीजिए 50 स्कोर जो कि हो चुके हैं। और बारह बॉल 23 रन जो कि बाकी है जीत के लिए, 12 बॉल्स और 23 रन जो जीत के लिए बाकी है। और 50 स्कोर अभी जो हो चुके हैं आफ्टर थ्री ओवर्स 18 बॉल्स 50 स्कोर अभी जो कि हो चुके हैं खेड़ के मैदान में। और बेनती है अंपायर साहबाना नूं जल्दी दे नाल मैच नूं जिहड़ा शुरू करवाया जावे क्योंकि समा बहुत घट है, मैच बहुत ज्यादा ने और जल्दी दे नाल मैच जिहड़ा उह शुरू करवाया जावे खेड मैदान दे विच। 12 बालां 23 स्कोर जिहड़े जितण दे लई बाकी होणगे और 18 बालां तों बाद जिहड़े 50 स्कोर इस वेले मैदान दे विच हो चुके हन, जिहड़े स्कोर बोर्ड ते लग चुके ने। इस तों बाद ठाकुरवाड़ी चिंदानी ब्रदर्स दोनों टीमां जिहड़ियां तैयारी कर लैण, ठाकुरवाड़ी और चंदानी ब्रदर्स जिहड़ियां इस तों बाद वाली टीमां भी तैयारी रखणगियां वेखांगे। और इस वेले खेड मैदान दे विच गवली दरिंदर्स टीम जिहड़ी 12 बाला है जिहड़े 23 रन जिहड़े बाकी ने और अगले ओवर दी शुरुआत करन लई खेड मैदान दे विच सोमनाथ लाड़ा किहड़े तैयार है, जिहड़ा खिडारी तैयार बर तैयार खेड मैदान दे विच सोमनाथ जिहड़ा कि बाल पाउण दे लई और इस मैच को बहुत समय लग रहा है, इसके लिए बेनती है फटाफट मैच को शुरू किया जाए। 9 मैच जो खेले जाएंगे, अभी पहला मैच है और 1 घंटा इसी मैच को जो कि लग चुका है मैदान में, फटाफट मैच को शुरू किया जाए। बेनती है हमारी फटाफट समय जो बर्बाद ना किया जाए, जल्दी से मैच को शुरू किया जाए। लाओ सामने बाल पाउण दे लई सोमनाथ जिहड़ा खिडारी इस वेले मैदान दे विच तैयार बर तैयार है। 12 बालां 23 स्कोर बाकी ने ते स्ट्राइक दे उत्ते प्रतीक है नौजवान जिहड़ा बाल दा सामना करन लई खिडारी तैयार बर तैयार है। पैंदी बाल और उधरले पासे खेड दिता शॉट और एक स्कोर जिहड़ा जोड़ दिता खिडारी ने अपनी टीम दे वास्ते, एक स्कोर जिहड़ा मैदान दे विच जोड़ दिता है। हाँ, 1 रन दे वाधे जिहड़े हुण दे जोड़ दिता, फिर मैदान दे विच वेखांगे जिहड़ा अरमान आ गया है मेरे वीरो, 22 रन जिहड़े बाकी ने, 22 स्कोर जिहड़े बाकी ने। जिद्दां सिद्धू मूसे वाला कहिंदा हुंदा है वी गल्लां 100% सच ने जो वी साडे बारे सुणी है, वी तेरे कियां सालां दे जट नूं
बाई बाई कहती दुनिया तेई नंबर विकेट में खिलाड़ी जरा खेड मैदान तैयार है मेरे वीरियो तेई रन जो बाकी पर हम घट गया है तो कह सकते बई स्कोर जो खेड मैदान बाकी ने लाओ बाल पाने लिए फिर जरा कहने भी सोमनाथ तैयार है एक पास सोमनाथ एक पास अरमान दोनों चोटी के प्लेयर जेडे खेड मैदान तैयार ने लाओ लगता जोर फिर हो बल्ले थले फिल्डर पर उधरले पासे कमाल कमाल कर दिती वासु ने बहुत वधिया कैच जड़ा अपनी मुट्ठी दे विच कर लिया और खिलाड़ी जड़ा आउट होके वापस है बहुत वड्डी विकेट दा इस वेले पतन जड़ा हो चुका है मैदान दे विच ते खिलाड़ी आउट होके वापस है अगला बल्लेबाज सिद्धेश आवेगा खेड मैदान दे विच फटाफट मैच को शुरू किया जाए बेनती है फील्डर्स अपनी पोजीशन ले फील्डर जल्दी दे नाल और फटाफट मैच को शुरू किया जाए क्योंकि समय बहुत कम है और मैच बहुत ज्यादा है हमारे पास इसलिए मैच को जल्द से जल्द फटाफट जो शुरू किया जाए और बल्लेबाज आए खेल के मैदान में अगली बाल जो रेडी रहे अगली जो टीम है वो तैयारी कर ले अगली टीम को बेनती है लाओ बाल पाने लिए फिर जरा खेल मैदान में सोना तैयार है सिद्धेश नेक्स्ट बल्लेबाज सिद्धेश 27 नंबर जो जर्सी में आपके सामने खेलेगा है जिस सिद्धेश है इन्हें प्यार देना सिद्धेश भी कह देने हैं एक साइड प्रतीक है दोनों बल्लेबाज वड्डा रुतबा रखते हैं और देखेंगे दोनों प्लेयर और जो चोटी के पर इस वे जी वापसी करवाई है सोमनाथ ने जो तो सोमनाथ ने बल्लेबाजी की उदो भी कमाल की पर हम कह सकते हैं बालिंग के अपनी टीम को वापसी करवा या नहीं गल समय भी और देखेंगे सामने फिर या भी जसे आ जाओ उ आओ सामने खिडारी फिर जरा बाल पाने लिए तैयार वर तैयार है सोमनाथ इस वे बाल पाने लिए कदम कदम अगे वाल वध रहा खिडारी और पैंदी बाल उधरले पासे और डॉट बाल के फैसले जेडे इस वे हो चुके हैं सिद्धेश जिहड़ा बालों का सामना कर रहे हैं पर पहलियां बाला जिहड़ियां सोमनाथ ने कमाल दियां कहिंदे कर दित्तियां है भी बेहिम्मते जो शिकवा करन मुकद्दरां दा उगण वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा मंजिल ते तख्ती लगदी उहनां दी जिहड़े घरों बना के तुरदे ने नशा अपने सफरां दा है बाकी वह खिडारी जितणगे जिन्हां ने मेहनत कीती होवेगी संघर्ष कीता होवेगा लाओ पैंदी बाल उधरले पासे पर कमाल कमाल सोमनाथ सोमनाथ बहुत कमाल दियां बालां पा रहे है ते सारी टीम ताड़ी मार के हौसला दे रही है सोमनाथ नूं क्योंकि कली कली बाल दे उत्ते पूरा मैच जिहड़ा मेरे वीरों टिकिया होया है ते सोमनाथ दी बॉलिंग तो वड्डियां आसां ते वड्डियां उम्मीदां ने समुची टीम नूं और अगली बाल पाउण लई फिर सोमनाथ नयन जिहड़ा कहिंदे इस वेले तैयार वर तैयार खेड मैदान दे विच लग्गिया जोर और उधरले पासे वेखांगे वाइड बाल दे फैसले जिहड़े खेड मैदान दे विच हो चुके हैं और विनोद कांबली जी इशारा करदे ने हुण वेखांगे स्कोरां दे विच इजाफा हुंदा पर स्कोर घटदे जा रहे ने सोमनाथ दी बल्ला पैंदियां ने वी सोमनाथ दा मंदिर जे किते गजनी लुटदा ना वी डोगरियां दी शहर ते लाउड जे हीरा घुटदा ना वी लाहौर ते अखां हुंदियां ना जे आंढ गवांढ वी आए वी साडे गोरे पौंदे पट्ठे ते मेहमा भांडे मांजदियां वी साडे गोरे पौंदे पट्ठे ते मेहमा भांडे मांजदियां गल्लां सच्चियां ने सोमनाथ अगे वल वध रहा है और उधरले पासे पैंदी बाल ते कैच ड्रॉप जिहड़ा इस वेले हो चुका है कैच ड्रॉप जिहड़ा हो चुके है मैदान दे विच बहुत वड्डी गलती जिहड़ा खिडारी इस वेले कर चुके है क्योंकि लास्ट मैच दे उत्ते इदां दीआं बालां दे उत्ते जिथे रन थोड़े चाहीदे होण बालां होण कैच ड्रॉप हो जाए यह बहुत वड्डी गलती है पर मेरे वीर सोमनाथ नूं गलती सुधार सात बोलों में 21 रन चाहिए सात बोलों में पर वेखेंगे इधरले आओ खेला शॉट पीछे फील्डर रन एक एक और दूसरा दूसरे रन के साथ जो ओवर है वो मेरे ख्याल से खत्म है और वेखेंगे समाप्त ओवर जो समाप्त आफ्टर फोर ओवर 54 आफ्टर 4 ओवर 54 6 गेंदों में 19 रन जो जीत के लिए बाकी है 6 गेंदों में 3 सिक्स तो लगाने पड़ेंगे अगर जीतना है तो 3 सिक्स तो लगाने पड़ेंगे 6 गेंदों में 19 रन जो जीतने के लिए बाकी है और लास्ट ओवर 6 गेंदे कौन सा खिलाड़ी आएगा खेल के मैदान में जज्बा जुनून लेके कौन आएगा खेल के मैदान में ख्याल से बालू को बाल दी जा रही है बालू से उम्मीद लगाई जा रही है या तो बालू आएगा या फिर
देखेंगे किसको बाल देंगे, विशाल जो हमारे बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारी है, लेकिन मेरे ख्याल से बालू जी बाल बालू करेंगे। एक ओवर में 19 रन चाहिए, बालू आए एक ओवर में 19 रन चाहिए। और देखेंगे तीन गेंदे मान लो बॉलर की है, तीन गेंदे जो बैट्समैन की, लेकिन तीन गेंदों में तीन सिक्स जो लगाने पड़ेंगे फिर जो होगा यहाँ पे तीन तीन बाले और भालो भाल पौंदरी जो त्यार बर त्यार खेल के मैदान में भी ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, नदियों के पानी से समंदर नहीं बनता। कौन जीतेगा ये मैच जे समय तय करेगा। लाओ भालो जो कि त्यार बर त्यार खेल के मैदान में, छह गेंद 19 रन, मुकाबला जबरदस्त जो कि खेला जा रहा है खेल के मैदान में। पहली बाल पहली बाल पहली बाल भालो पहली बाल और की कमाल पहली बाल, पहली बाल बालू के हक में गई, पहली बाल बालू के जो पाले में कह सकते हैं वो पड़ी है, लेकिन पांच गेंदे बाकी हैं, पांच गेंदों में 19 रन हो, 19 रन बाकी है। नरेंद्र जी कह सकते हैं अभी भालू की मुट्ठी में मैच है, भालू की मुट्ठी में पूरा मैच है, भालू की मुट्ठी में पांच बाल भालू की मुट्ठी में और तीन सिक्स जो चाहिए बल्लेबाज जो त्यार बर त्यार खेल के मैदान में। कौन जीतेगा कौन सीखेगा जे समय तय करेगा, कौन जीतेगा कौन सीखेगा जे समय तय करेगा। और बाल पांडली फिर भालो के दे त्यार बर त्यार चलो तीसरा पंच कमिटी मेंबर जा कमिटी मेंबर नहीं ना कमिटी सोमनात फक्त एकट्याने या, बाकी प्लेयर्स तुम्ही तिकडे सांभा प्लीज आदि एंड ऑल टीममेट्स ऑर्गनाइज कमिटी टीम मेंबर अलॉंग विथ आमचे मुख्य पंच विजय पाटील सर सुद्धा आपल्याला या फ्रेम मध्ये पाहायला मिळतील। माझा अंकल दीपक सावंत सर 40+ च्या प्रतिम खेळाडू, गतवर्षी जी स्पर्धा झाली या स्पर्धेमध्ये तब्बल 50,000 रुपये कॅश प्राईज खरंतर ज्यांना या स्पर्धेमध्ये पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक पुरस्कृत केलं होतं ते दीपक सावंत सर, त्यांचाही आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया। चला आणि लवकर फिल्डिंग सजवून घ्या, मॅचला आपल्याला बराच उशीर झालाय, बरोबर 10:45 आपण ही मॅच सुरू केली होती 10:47 ते 15 मिनिटे आणि 11:01 म्हणजे 1:15 जवळजवळ या मॅचमध्ये आपण 1:15 खर्च केलाय। इथून पुढे आपल्याला थोडं ऍक्सेलरेट करायचं आहे, घाई करायची आहे, कारण टाइम मॅनेजमेंट आपल्याला करायचं आहे। इथून पुढे मात्र या मायक्रोफोनवर नवी मुंबईचा प्रतिम आवाज तुम्हाला अनुभवायला मिळणार, ज्यांनी गेले कित्येक वर्ष खरतर आपली एक वेगळी छाप सुद्धा या नवी मुंबई पंचक्रोशीमध्ये किंबहुना या संपूर्ण पंचक्रोशीमध्ये अर्थातच त्याच्यामध्ये आम्ही
रायगढ़ का विशेष उल्लेख करू, नवी मुंबई पनवेल रायगढ़ मग अगदीस पुढच्या बाजूला मात्र कल्याण डोंबिवली भिवंडी या परिसरामध्ये सुद्धा हा आवाज आपण अनुभवला। हर्षजी मडवी यांचा आवाज तुम्हाला नेक्स्ट मॅचेस मध्ये पाहायला मिळेला। हा घणाघाती प्रहार येतो, षटकार हार मानणार नाहीये असंच दाखवणारा हा षटकार। सर ओवर टू कॉम बॉक्स जसविंदर सिंह जी। पहला सिक्स जो प्रतीक के बल्ले से आया, चार बॉलों में अभी 13 रन जो बाकी है, चार गेंदों में 13 रन जो बाकी है, लेकिन जब तक प्रतीक खड़ा है ये 13 रन भी कम लगेंगे, और जब तक प्रतीक सामने बल्लेबाजी में और तैनात है तो 13 रन भी जो रन है कम लगेंगे, लेकिन भाल जो बालू के और हाथ में बालू बाल डालने के लिए फिर से जो त्यार बरत्यार है। लाओ सामने बालू भाल पाने के लिए फिर जड़ा खिडारी तैयार बर तैयार है। 13 स्कोर जड़े बाकी होंगे, चार बॉल्स 13 रन जो बाकी, चार बॉल्स 2 सिक्स भालो भाल डालने के लिए, और कमाल कमाल दी भाल जड़ी खिडारी ने इस वेले कर दिती मैदान दे विच। हुण 3 बाला ते 13 स्कोर जड़े बाकी ने, 3 बाला ते 13 स्कोर जड़े मैदान दे विच बाकी ने दोनों टीमों के लिए। एक बारी ताड़ी जोरदार मार दो, बहुत बढ़िया मुकाबला जिहड़ा इस वेले खेडिया जा रहा है, और 3 बाला 13 स्कोर जिहड़े बाकी ने। बालो बाल पाउण दे लई फिर खिडारी तैयार बर तैयार लग्या है जोर उधरले पासे, और वेखांगे आ बाल दे उत्ते सारा मैच है मेरे वीरियो, पर वाइड बाल दे फैसले। हाँ वाइड बाल दे फैसले, हुण 2 सिक्स जिहड़े बाकी ने 3 गेंदां चो, 3 गेंदां दे विच 12 स्कोर जिहड़े बाकी ने, 2 जो गेंदे हैं बाकी। इस वेले खेड मैदान में जो वेखेंगे 12 रन जो बाकी है, भालू की बाल होगी सामने, प्रतीक सामना करने के लिए 3 बॉल 2 सिक्स। और बाल कमाल दी कर दी खिडारी ने, बहुत तगड़ी बाल जिहड़ी इस वेले मैदान दे विच कर दित्ती। भालो कमाल इस वेले कहिंदे कर रहे है, यस बंटी सर बैटिंग टीम कडून रिव्यू घेतलाय का, बैटिंग टीम रिव्यू आमचे पंच जरूर व्हाइट सडे रिव्यू घेतलाय, इनिंग रिव्यू अंपायर थोड़ा जल्दी आ जाए। चला फिल्डिंग सजून घ्या, डिसिजन इज पेंडिंग आणि इट्स अ डॉट बॉल। दोन बॉल किती धावा, 12 2 गेंदे 12 रन।
दोन चेंडू 12 धावा दो गेंदे 12 रन टू बॉल्स टू गो एंड 12 रन्स टू विन। और खिलाड़ी आउट होके वापस, और हमारी बेनती है किसी बाइक की बाइक है जो ग्राउंड में एंट्री गेट में बाइक है किसी बाइक की, उसको साइड पे कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा किसी बाइक की बाइक है एंट्री गेट पे। पहले भी दो तीन बेनतियां है ठाकुरवाड़ी टीम फील्डिंग सजाने से अपन सज्ज रहा। नेक्स्ट मैच टीम बी रेडी। केतन उंडे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतील इन एक्शन मध्ये। केतन थोडा जास्त गोरा झाला आता। चला एक चेंडू आणि 12 धावा। मैच समाप्त और चलते मुकाबले दे विचों एवी फाइटर दी टीम जिहड़ी पहला मुकाबला इस वेले जीत चुकी है। टीम एक लाइन अपना मैदानाचा ताबा घ्या लवकर क्विक मेक इट फास्ट। टीम सीबीडी ठाकुरवाड़ी ऑल